इसे तो उतारना ही पड़ेगा कैसे चिपका हुआ है और क्या है ये क्या असलम क्या हाल है आप सबका अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गहूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे खुश और आबाद रखे तो चलते हैं शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो वीकेंड मेरा ख्याल है होपफुली आप सबका बहुत अच्छा गुज़रा होगा तो ये मैं सैटरडे वाले दिन की ना आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और साथ साथ में ना मैंने चिकन वग़ैरह निकाल दिया था जो आज मैंने कुकिंग करनी थी ना वो भी सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली वैसे ज़्यादातर तो ये बेहतर तो यही हो रात में निकाल दी जाए ना तो सही तरह से वो खुल जाता है जो भी गोश्त वग़ैरह आपने जो भी बनाना हो या अगर दाल दाल या राजमा वगैरह इस तरह की चीज तो खैर बन जाते हैं चने या राजमा वगैरह जो है ना वो रात को भी जाए तो बेहतरीन बनते हैं ये खैर है, सबको ही पता है तो ये ना मैं नीचे बेसमेंट में गई हूँ तो दही भड़े का रख दिया है ऐसे ही आज मेरी लुस्त है कि मैं आज ज़्यादा सारी कुकिंग करूँ ये अरहम के जाने का टाइम हो गया हुआ। इसका फुटबॉल का टाइम हो गया वैसे सुबह उठ जाता है इसकी वैसे ये बहुत अच्छी आदत है और नाश्ता वगैरह ये सुबह सुबह ही कर लेता है क्योंकि ऐसे ही होता है पील है तकरीबन एक डेढ़ बजे इसने आ, इनकी ना गेम है तो नाश्ता ये फिर नौ दस बजे के दरमियान कर लेता ताकि थोड़ा सा ना इसके टाइम मिल जाए ये भी इन बच्चों को ना इन ट्रेनर्स वगैरह ही बताते हैं कि इतना ज़्यादा खा के या ज़्यादा खाना खा के जाहिर बात इंसान वैसे सुस्त हो जाता है भागा भी नहीं जाता और स्टिशें भी पड़ती हैं एटलीस्ट ना जब इंसान भागता है ना तो फिर वो खाया पिया जो होता है उससे फिर साइडों पर वो चुबन सी शुरू हो जाती है तो इसको मैं रुखसत करना ही थोड़ी सी वैसे मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बाहर आई हूँ तो ये एक ये खीरा है हमारा ये जो मेरे हमारे घर में जो जो प्लांट प्लांट मैंने लगाए हुए हैं ना ये खीरा देखे कितना बड़ा है ऐसे लग रहा था जैसे जुकीनी है ना तो जो ब्लैक कलर की जो तोरी है इस साल तो खैर मैंने वो नहीं लगाई पिछले साल बहुत लगाई थी और एक ही पौधे को बहुत ज्यादा लगी थी और ऐसी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी हुई थी तो ये भी इस टाइम वैसे इसकी शक्ल भी वैसे देखने में ना वो जुकी ही लग रही है तो बाहर से मैंने ताजे सब्जियां वगैरह तोड़ी है ये खीरा तोड़ा है थोड़े से टमाटर लेके आई थी हरी मिर्चें लेके आई थी और ये जो छोटी वाली ये जो ग्रीन कलर की डार्क ग्रीन कलर की मिर्च है ना ये सही तेज थी मिर्च जैसी हमारी पाकिस्तान में होती है ना क्योंकि ये फ्रेश फ्रेश होती हैं तो ये जो मैंने अभी तोड़ी है ना अभी खा लेना है तो इनका वो वैसे ही इनमें नहीं है कड़वाहट इनके बीज भी अंदर से ना अभी तक वैसे पके हुए नहीं है जैसे होने चाहिए क्योंकि इधर इन मुल्कों में वैसी गर्मी की शिद्दत नहीं है और ये है कि ज्यादा टाइम नहीं मिला इन फल सब्जियों को ज्यादा धूप नहीं मिल सकी और कुछ शायद मैंने भी नहीं केयर की मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना पत्ते वगैरह छांटी कर देने चाहिए थे ताकि डायरेक्ट सूरज इनके ऊपर पड़े चले बंदा हर साल ही वैसे कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ मैं कौन सा कोई गार्डनिंग वगैरह पाकिस्तान सल में कभी की ही नहीं है इधर ही आके वैसे तुके लगा रही हैं तो माशाला से इस दफा तो बहुत फल लगा है पिछले साल भी बहुत हमारे टमाटर भी काफ़ी हुए थे जुकीनी भी हुई थी बैंगन वगैरह भी मैं लगाती हूँ इस दफ़ा हमारे मैंने नहीं लगाए वो भी काफ़ी होते हैं तो आज फिर किचन की तरफ तो मैंने ना आज जो मेरा प्लान है मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है कौरमा टाइप कढ़ाई बनाऊँगी और ये चिकन पॉपकॉर्न बनाने हैं साथ में मैंने भल्लों का मेजा बना के रखा हुआ है तो ये सारा कुछ मैंने आज बनाना है तो तकरीबन तो कह लें कि तीन डिशे तो हो ही जाएंगी जो मैंने आज प्लान की हुई हैं तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि चिकन को मसाला लगा के ना जो मैंने चिकन पॉपकॉर्न बनाने उनको मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिए मसाला वही नमक मिर्च हल्दी वगैरह धनिया का पाउडर आमचूर पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है और इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च डाली है काफ़ी सारी मिकदार में ना थोड़ी लाल लाल कलर आए तंदूरी मसाला थोड़ा सा डाला है ए, सिट्रोन वगैरह डाल के तो इसका मैंने मसाला प्रिपेयर कर लेना है और फिर चिकन मैंने ना सबसे पहले तो खैर मैंने चिकन को पहले काटा था छोटा छोटा पीस काट लिए पहले मैं थोड़ी देर सिरके में भिगो के रखा काटा है और अब इसको ना मैरिनेट होने के लिए मैंने रख देना है तो मैरिनेशन कम अज़ कम जो है न घंटा दो घंटा मिल जाए ना इसको चिकन को खास कर ये जो चिकन फिली होती है तो ये इसके लिए काफ़ी

डाला है अब मैंने सिर्फ भले फ्राई करने हैं और उन्हें पानी में डिप करके तो मैंने इस योगर्ट के अमेज़े में डाल देने हैं तो एक तरह से मेरे वो भले भी फैटिश हो जाएंगे ना रेडी हो जाएंगे तो ये इस टाइम चिकन को फिर मैंने इस तरह मसाला वगैरह लगा के इसे कवर करके तो फ्रिज के अंदर रख दें आप चाहे तो चाहे तो बाहर ही पड़ा रहे मैंने वैसे इधर बाहर ही रख देना है और साथ में मैंने ना जो प्याज थे वो मेरा ख्याल है मैंने चार बड़े साइज़ के प्याज़ लिए थे और ये चिकन जो था तकरीबन वन के होगा जो मैंने अब कौरमा बनाना है तो वो प्याज को मैंने ना कुकिंग ऑयल गर्म करके तो उसके अंदर फ्राई होने के लिए रख दिया हुआ है अब आज एक कौरे की तरफ तो मैंने कढ़ाई ली थी उसमें थोड़ा सा खुला सा तेल डाला है कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर चिकन डाल के ना तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है थोड़ा सा फ्राई करते हुए मैंने नमक भी डाला है और काली मिर्चें भी डाली हैं और प्याज जो मैंने इस कौर के अंदर डालना है ना वो मैंने ब्राउन होने के लिए पहले रख दिया था बल्कि निकाल भी लिया हुआ है इस टाइम पर आके और उसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया हुआ है अब जो है दूसरे मसाले इसके अंदर जाएंगे ये चिक... चिकन को ना मैंने बहुत अच्छी तरह से कह लें कि गोल्डन ब्राउन ही तकरीबन कर लेना है मसाले वगैरह मैंने साथ साथ डालती जाऊंगी लेकिन पहले अभी मैं देखूंगी कि पहले इसके ऐसे ही कुकिंग ऑयल में भूनूंगी बाद में मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है वो डाल के इस चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूंगी और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने खुश धनिया और ज़ीरा पाउडर और मिर्चें थोड़ी सी डाल दूंगी वैसे ज़्यादा मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डालनी है ना इसके अलावा इसके अंदर मैंने गरम मसाला डालना है और इन मसालों के साथ फिर मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ़्राई करना है तो ये बहुत ईजीली आराम से बन जाने वाला खाना है इतना कोई ख़ास तरद इसमें नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा कह लें कि मेहनत मशक्क़र में का, का काम नहीं है बस इसको अपने चिकन को फ्राई करना है मसाले डाल के और बाद में जो प्याज़ फ्राई किए हुए हैं ना वो इसके अंदर डाल देने हैं तो ये कौरमा रेडी हो जाएगा इसके अंदर बाद में इसके योगट भी जाएगा मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं यूज़ किया थे योग डाला था और बाद में ब्राउन प्याज जो है जो मैंने पहले से ब्राउन किया है उनके अंदर पानी खुला सारा पानी डाल के उन्हें ग्राइंड करके तो वो डाल देना और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और फिर ये रेडी हो जाएगी ये मेरी डिश बहुत जल्दी आराम से और ईजिल बन जाने वाला ये खाना है साथ साथ आपको पीछे वो जो पैन नज़र आ रहा है इसके अंदर चिकन पॉपकॉर्न जो है ना वो मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छा इसकी मेरीनेशन में ना मैंने दो से तीन बड़े खाने के जो चम्मच होते हैं ना वो मैंने कॉर्नफ्लोर भी यूज़ किया था ताकि उससे थोड़ा क्रिस्पीनेस आए चावल का आटा भी थोड़ा सा मैंने डाला था आधे एक, एक चम्मच के बराबर लेकिन ज्यादा वैसे मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था और इनको मैंने बहुत अच्छे से पहले तल लेना है और फिर बाद में ना इसकी एक सॉस भी रेडी करनी है जो आ, अलग से एक रेडी होगी जिसके अंदर ये चिकन पॉपकॉर्न जाएंगे तो ये सॉस वाले बड़े मजे के जूसी से टेंडर से ये चिकन पॉपकॉर्न बनेंगे उसके लिए क्या है कि मैंने थोड़ा सा दो तीन जवे लिए थे इसके एलेसन के उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना बाद के बाद में इसके अंदर मैंने फर्ज करें अगर एक कप है कैचअप तो हाफ कप मैंने इसके अंदर चिली सॉस और जो सोया सॉस है उसके एक दो चम्मच और हनी के भी दो तीन चम्मच जाएंगे अंदाज नहीं है टेस्ट के मुताबिक है मैंने इस तरह से तकरीबन इसको सॉस को रेडी कर लिया था बाद में मैंने चिकन पॉपकॉर्न इसके अंदर डाल के डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था और ये इस टाइम मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया जैसे ही ना सॉस सारी इन्होंने इन्होंनेब कर ली तो फिर मैंने इसको इनको डिश आउट कर लिया था और ऊपर मैंने ना जेजम थोड़ी जो है ना तिल वो छिड़क दिए थे तो ये बच्चों को बहुत पसंद आए हैं पहले भी मैं बनाती हूँ लेकिन इस दफा ये मैंने जो है ना बहुत अरसे के बाद ट्राई किए फिर से यानी बनाए हैं चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई है पॉपकॉर्न भी और इस टाइम मैं थोड़े से ना भले फ्राई करने लगी हूँ मैंने बाद में जाना है खरीदारी करने के लिए तो मुझे यह है कि मैं घर के सारे काम खत्म करके ना सफाई वगैरह वैसे मैंने सुबह उठते ही आज खत्म कर ली थी सैटरडे को मेरा एक ये, ये भी एक काम होता है तो साथ ही फिर मैं खाना वगैरह से भी हो जाती होती क्योंकि फिर शाम को जब मुझे पता है कि मैं अगर खरीदारी के लिए निकल गई तो घंटा डेढ़ दो घंटे तो ऐसे ही लग जाते हैं और बच्चों का शेड्यूल कुछ ऐसे है कि अर गया हुआ है फुटबॉल खेलने और उसके आने का टाइम हो रहा है और सब महीने अब इस टाइम जाना है और फिर दोपहर से सुबह चूके बच्चे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही खाते हैं तो फिर इन्हें सही दोपहर को सही भूख लग जाती है तो रोटियां फिर मैंने बना के ना मैं हॉटपॉट में रख देती हूँ जिसको तो फिर जो जैसे आता जाएगा तो वो खा लेगा तो सम्मी ने तो माशा से अभी मेरे होते मैं घर में थी तो खा ली लिया खाना और सम्मी अरहम को जब मैं ये बाजार के लिए निकलने लगी थी तो अरहम भी आ गया था साइकिल पता बच्चे आते जाते वैसे हैं हैं हस्बैंड घर पे ही होते हैं, तो वो फिर उन्हें बच्चों को पता होता है कि खाना वगैरह कहां पड़ा है तो वो खुद ही निकाल लेते हैं ना अपने लिए तो मैं और असद हम लोग आए हैं लीडल पे एक्चुअली मैंने खरीदारी फ्राइडे को भी शाम को की थी बड़ी ग्रॉसरी जो है ना हम लोगों ने कर ली थी इस टाइम जब मैं आई हूँ ना हमारे घर में अब माशाल्लाह से दो बिल्लियाँ हो गई हैं तो मुझे ना कुछ अंदाजा नहीं हो रहा पहले हम बिल्ली का जो खाना लेके आते थे वीकली या जिस हिसाब से मैं लेके आती थी ना तो अब वो थोड़ा कम पड़ जाता है तो हालांकि मैंने दोनों के लिए दो वराइटीज़ क्योंकि ये जो छोटी वाली है वो इन्फेंट में आ जाती है इसके लिए वो छोटा खा यानी जो छोटी बिल्लियाँ हैं उनका खाना लेके आना होता है और बड़ी सीनियर्स में आगे हुई है तो उसके लिए दूसरी खाना लेके आना होता है तो उसके लिए मुझे ना आज आ, ये हस्बैंड बता रहे थे कि खाना ख़त्म हुआ हुआ है बिल्लियों का तो वो लाने वाला है तो सिर्फ आई मैं बिल्ली का खाना लेने के लिए हूँ और ये फिर थोड़ी बहुत और भी जो चीज़ें नज़र जित पे पड़ी है तो फिर वो हम लोगों ने ले ली है माशाल्लाह से ये भी अब एक ना जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना अगर, अगर अपने ऐसी इस तरह के कुछ बिल्ली जानवर वगैरह को घर में रखा हो तो वो भी सेम आपकी वैसे ही ड्यूटी है मुझे ऐसे लगता है कि वैसे ही मेरी अब ड्यूटी फिर से जैसे छोटे बच्चों का मैं ध्यान रखती थी हाई खाना तो नहीं खत्म होने वाला तो अब इनका भी ध्यान रखना पड़ता है तो वहाँ से निकल के ना लीडर से हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी मैं साथ ही मुझे चाहिए था ग्रिल केज है मेरा दिल कर रहा था इन दिनों फिर से वो मैं ना पालक पनीर या मटर पनीर बनाऊँ तो वो ना मुझे लीडर से मिला है वैसे लीडर से पहले भी नहीं मिलता मैं काम का से लेती थी आई थी मैं वो चीज़ वगैरह लेने के लिए लेकिन वो नहीं मिला तो हम लोग लेने कुछ और आए थे ले कुछ और लिया और अब वापस आ गए हैं घर और फिर ये थी मेरी आज की बिजी दिन की रूटीन और आई होप कि आप लोगों ने इसे इन्जॉय किया होगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच दें नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़